आज ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है। ताइपे में राष्ट्रपति भवन के बाहर चल रहा यह दृश्य महज परेड नहीं है, ये अस्तित्व के खतरे के खिलाफ ललकार है। चीन की सेना ने हाल ही में हालिया दौर का सबसे बड़ा बल प्रदर्शन किया। ताइवान को घेरने बल्कि कहें कि उस पर हमले का परीक्षण किया गया। ताइवान जिसे चीन अपना कहता है, ताइवान की राष्ट्रपति इसे नहीं मानती और मानती है कि उनके लोगों को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अपनी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक जीवन शैली की रक्षा करनी होगी और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक हजार मील दूर बीजिंग में द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास लिख रहे हैं। शीर्ष पद पर तीसरे कार्यकाल में वादे भी और धमकियां भी, चाहे जैसे हो, बीजिंग ताइवान पर नियंत्रण करेगा। हम पूरी प्रतिबद्धता से शांतिपूर्ण एकीकरण की हर संभावना के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन बल प्रयोग नहीं करने का वादा नहीं कर सकते। उनके शब्द ताइवान की खाड़ी के इस तरफ गूंज रहे हैं। चीनी सरकार इस बात पर अडिग है कि वो ताइवान के साथ एकीकरण चाहती है, और इधर ताइवान में अधिकतर लोग इस बात पर अडिग हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते। अब ये सामान्य लेकिन गहरा तनाव अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचता दिख रहा है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके में अमेरिका संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है, और जो बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका ताइवान के बचाव में आएगा, और इसका मतलब होगा एक बहुत बड़ी जंग। ये आग बहुत जल्दी फैल जाएगी, एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं सहित कम से कम तीन, चार या पांच देश शामिल होंगे। एक ऐसे समय में जब दुनिया यूरोप में जारी संघर्ष की मार झेल रही है, ये जंग दुनिया को एक ऐतिहासिक संकट की ओर धकेल देगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस खतरनाक स्थिति में कैसे पहुंचे और हम इसे और भी बदतर होने से कैसे रोक सकते हैं। भाग एक में हम इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश में पुराने समय में चलते हैं, कैसे एक कूटनीतिक सफलता से दशकों तक शांति बनी रही लेकिन क्रोध और विश्वासघात मजबूत होता गया। इस त्रिकोण का हर कोना अविश्वास से भरा हुआ है। यह उस प्रक्रिया का परिणाम है जिससे होकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। भाग दो में देखेंगे हदें पार करता तनाव। उन्होंने ताइवान के पास समुद्र में मिसाइलें दागी। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभ्यास किए। उन्होंने ताइवान के खिलाफ साइबर हमले किए। ऐसा लगता है कि चीनी ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। और भाग तीन में हम चीन, अमेरिका और ताइवान के भविष्य में होने वाले समीकरणों पर बात करेंगे, देखेंगे कि ये विवाद किस ओर जा रहा है, और पता लगाएंगे कि क्या किसी तरह इस जंग को रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि आज खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे को लगातार एक के बाद एक आंख दिखा रहे हैं, और ताइवान बीच में फंस गया है। हम मुख्य चीन वाले मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और हमें ताइवान के साथ फिर से जुड़ना होगा। एकमात्र सवाल ये है कि किस तरह, क्या ये शांतिपूर्ण ढंग से होगा या हमें बल प्रयोग करना होगा। मुझे लगता है कि बीजिंग के लिए जरूरी बात ये समझना है कि अगर आप ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो आप हार जाएंगे। लेकिन चलिए गुजरे वक्त में जाकर समझने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए कि अभी क्या हो रहा है, आपको इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जब दुनिया की भू राजनीति बदल रही थी। बस एक बात, अगर आप वाकई में इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं तो सीधे भाग दो पर जाएं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ बेहतरीन रोचक जानकारियों के लिए यहाँ बने रह सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे कूटनीति एक ही समय में बहुत सही और बहुत गलत हो सकती है।
फरवरी 1972 एयरफोर्स वन एक राजकीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचा और इस यात्रा ने दुनिया बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कम्युनिस्ट चीन के साथ दोस्ती करने के लिए शीत युद्ध की खामोशी तोड़ी। इस यात्रा से पहले चीन अमेरिका के बीच कोई संबंध नहीं था, अब ये बात बदलने वाली थी। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि हमारी पीढ़ी उन्हें विरासत में शांति और सद्भाव दे सके। ये दौरा एक बड़ा जुआ था, लेकिन निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के पास इसके अपने कारण थे। ये एक बटी हुई दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई की बात थी और चीन के नेता माओ त्से तुंग और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ के बीच तनाव का फायदा उठाने की मंशा से किया गया था। वो देख रहे थे कि सोवियत संघ और चीन के बीच समाजवादी भाईचारे का एक प्रकार का अटूट बंधन, जिसे वो लंबे समय से अटूट मान रहे थे, वो दरअसल अटूट नहीं था और वो इसे तोड़ने की कोशिश चाहते थे। मुझे ये बात मजेदार लगी कि ये शतरंज की चाल की तरह था। चीन हालांकि उस समय एक गरीब देश था, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आप सोच कर देखें कि किस पक्ष की ओर चीन के आने से वो पक्ष बहुत मजबूत हो जाता। बेशक रिचर्ड निक्सन और किसिंजर ने ये देख लिया था, लेकिन साथ ही चीन की सरकार को भी ये मौका नजर आया। माओ ने दरअसल सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर कभी भरोसा नहीं किया था। 1960 के दशक के मध्य तक वे दरअसल चीन और रूस के बीच सीमा पर सैन्य संघर्ष कर रहे थे, इसीलिए चीन को सोवियत संघ को थोड़ा सा दबाव में लाने के लिए किसी की जरूरत थी। इसलिए जब निक्सन और माओ आखिरकार मिले तो दोनों के हाथों में लड्डू था। लेकिन असल में बैठक से पहले एक गंभीर समस्या का निदान जरूरी था, और वो था ताइवान का मुद्दा। दशकों पहले अमेरिका ने चीन के गृह युद्ध में हारने वाले पक्ष के नेता चियांग काईशेक के साथ गठबंधन किया था। चियांग 1949 में चीन से ताइवान भाग गए थे और उन्होंने दावा किया था कि वही चीन के असल नेता हैं। इसे उन्होंने चीन गणराज्य कहा था। अमेरिकी गठबंधन तभी से ताइवान के लिए अहम भूमिका में था, लेकिन अब बीजिंग से संबंध बनाने के लिए इस भूमिका की कुर्बानी देनी पड़ रही थी। ये एक कूटनीतिक धमाका होने वाला था और राजनीतिक भी। सोचिए, शीत युद्ध के बीच में एक अमेरिकी राष्ट्रपति एक साम्यवादी दुश्मन से दोस्ती करने के लिए एक पुराने पूंजीवादी सहयोगी को छोड़ रहा था। निक्सन को इसके लिए बहुत ध्यान से जमीन तैयार करनी थी। इसकी सफलता जरूरी थी। निक्सन के विश्वस्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर मिशन प्रमुख थे। उन्होंने समाधान खोजने के लिए बीजिंग का एक गुप्त दौरा किया। किसिंजर को ताइवान के बारे में बात रखने के लिए किसी ऐसी चाल की जरूरत थी जो अमेरिकी राजनेताओं की जांच पड़ताल से बचा सके, क्योंकि उनमें से कईयों का मानना था कि अमेरिका को एक साम्यवादी देश के साथ संबंध बनाने के लिए एक साम्यवाद विरोधी सहयोगी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस पूरी बहस प्रक्रिया में किसिंजर के सहयोगी थे चाउ एन लाई, जो कि चीन के प्रधानमंत्री और अध्यक्ष माओ के बाद सबसे ताकतवर आदमी थे। हमारे पास जुलाई 1971 में की गई गुप्तवार्ता के फुटेज नहीं है, लेकिन आधिकारिक बातचीत का अमेरिकी ट्रांसक्रिप्शन है। ताइवान ही मुख्य चर्चा में था। चाउ ने अपनी मांगे रखी और बताया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किस बात पर अडिग है। एक चीन का सिद्धांत, बिना किसी संदेह के अमेरिका चीन को स्पष्ट मान्यता दे, वो पीआरसी को चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता दे। ताइवान एक चीनी प्रांत है, चीन का एक अभिन्न हिस्सा। उनके नजरिए से देखें तो ऐसा कोई भी इलाका जो चिंग राजवंश के सबसे ताकतवर दौर में उसका हिस्सा रहा, वो चीन का हिस्सा है और अभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में होना चाहिए। इसीलिए चीन के एकीकरण का सिद्धांत यह है कि केवल एक चीन है। जो कुछ भी चिंग राजवंश के शिखर पर रहने के दौरान इसमें था, वो आज उस चीन का हिस्सा है जिसकी राजधानी बीजिंग है और उस चीन की कानूनी सरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। is the People's Republic of China.
लेकिन ताइवान में चियांग काईशेक ने भी एकीकृत चीन का असल नेता होने का दावा किया। एक ऐसा चीन जो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में हो। इसलिए किसिंजर को ताइवान और उसके अमेरिकी समर्थकों दोनों को पूरी तरह से नाराज किए बिना बीजिंग को संतुष्ट करने का उपाय खोजना पड़ा। उपाय के तौर पर जो बात उन्होंने रखी उसके तहत अमेरिका ने कहा कि देखिए, हम बात समझ गए हैं, हम दोनों पक्षों की बात की ताइवान और चीन एक हैं, इस बात को स्वीकारते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हो वो शांति और स्थिरता से हो। आप आपस में जैसे चाहें इस मुद्दे को हल करें, लेकिन शांति से करें। इस हल का मतलब था कि किसिंजर का एकीकृत चीन का विचार बीजिंग से अलग था, और साथ ही किसिंजर ने चाओ एनलाई को ये संकेत भी दिया कि चीन आगे चलकर अपना रास्ता बना सकता है। कोई यही अंदाजा लगाएगा कि राजनीतिक ऊंट उसी करवट बैठेगा जिस दिशा में प्रधानमंत्री चाओ एनलाई ने मुझसे कहा था। लेकिन किसिंजर का संकेत अमेरिका में राजनीतिक वास्तविकता के अनुरूप नहीं था। तो समझिए कि किसिंजर ने चाओ एनलाई से कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये जानते हुए भी कि अमेरिका में लोग खास ध्यान रखेंगे कि ऐसा आसानी से ना हो सके। फिर भी बीजिंग इस पर सहमत हुआ और निक्सन की अगले साल की यात्रा ने पूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए, जिसे जिमी कार्टर और डेंग शियाओपिंग ने 1979 में अंततः औपचारिक रूप दिया। इस प्रक्रिया ने ताइवान को विश्व पटल पर बहुत अकेला कर दिया। इसने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सीट खो दी और कई अन्य देश अमेरिकी नेतृत्व का अनुसरण करते हुए ताइवान के बदले चीन को मान्यता देने लगे। कुछ पहले ही ऐसा कर चुके थे, लेकिन किसिंजर ने चाओ का साथ पाने के लिए जो पासा फेंका था वो ताइवान और चीन के प्रति एक धुंधली अस्पष्ट अमेरिकी स्थिति की शुरुआत थी। अमेरिकी सरकार के अलग अलग हिस्से अलग अलग दिशाओं में बटे दिख रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों को वॉशिंगटन जाकर कांग्रेस में ये बताना पड़ा कि सुनिए, हम चीन के जनवादी गणराज्य को मान्यता देने जा रहे हैं और ताइवान के साथ अपनी आपसी रक्षा संधि समाप्त करने जा रहे हैं। और जैसा कि साफ अनुमानित था, अमेरिकी राजनेताओं, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने कहा, नहीं नहीं, आप ताइवान को नहीं छोड़ सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए कांग्रेस में ताइवान के समर्थक इस आघात को कम करने के लिए एक कानून लेकर आए, ताइवान संबंध अधिनियम। इसीलिए उन्होंने ऐसा कानून लिखा जिसके तहत अमेरिका को ताइवान के साथ ऐसा व्यवहार करना होगा जिसमें वो ताइवान को एक देश की मान्यता देगा और उसे अपनी रक्षा करने में सहायता देना जारी रखेगा। ताइवान संबंध अधिनियम में अमेरिका की प्रतिबद्धताओं को बहुत सावधानी से परिभाषित किया गया। उन्होंने गठबंधन की बात नहीं की, ये साफ तौर पर बीजिंग से किए गए वादे का उल्लंघन होता। बजाय इसके उन्होंने एक ऐसी धुंधली स्थिति बनाकर रखी जो तब से ताइवान पर अमेरिका की स्थिति का केंद्र है, जिसे रणनीतिक अस्पष्टता के रूप में जाना जाता है। ताइवान से ये कहा कि हम नहीं कह सकते कि अगर आपने बीजिंग को उकसाया तो हम आपका समर्थन करेंगे ही, और बीजिंग से कहा कि हम नहीं कह सकते कि अगर बिना उकसाए आप ताइवान पर हमला करते हैं तो हम आपके खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। इसीलिए दोनों पक्षों को नहीं पता कि उनकी अपनी कार्रवाइयों पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। यही रणनीतिक अस्पष्टता है। इन सब ढुलमुल बातों के बाद भी ताइवान संबंध अधिनियम ने बीजिंग को नाराज कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अभी अभी हुए समझौते के विरोधाभास के रूप में देखा। 79 और 82 के बीच चीन ताइवान को की जाने वाली अमेरिकी हथियारों की बिक्री के बारे में लगातार शिकायत कर रहा था, जैसे उन्हें लगा हो कि ताइवान वापस हमारे हाथ में आ रहा है। इस समय तक रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बन चुके थे और उन्होंने चीनी नेतृत्व को संतुष्ट करने के लिए एक नई विज्ञप्ति के साथ सभी पक्षों को खुश रखने के नए तरीकों की तलाश की। हथियारों की बिक्री के बारे में बीजिंग की शिकायतों के जवाब में रीगन सरकार ने कहा
देखिए, जब तक चीजें शांतिपूर्ण रहती हैं, हम समय के साथ धीरे धीरे ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों की मात्रा और खतरनाक हथियारों को कम कर सकते हैं। रीगन ने इस संतुलन को बनाए रखने के लिए ताइवान को नहीं छोड़ने के वादे के साथ कई और वादे किए, जिन्हें 6 आश्वासन कहा गया। ये बहुत बड़े स्तर का कूटनीतिक दाव था। ऐसा लग रहा था कि फिलहाल के लिए मामला शांत हो गया है, लेकिन लंबे समय के खेल में भरोसा बढ़ने के साथ भी समस्या बढ़ने से नहीं रुकी। अगर वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं, तो वो उन्हें इतने हथियार क्यों भेजते हैं? इस तरह का आंतरिक संघर्ष या एक तरह की विसंगति दरअसल कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच एक सोचा समझा सहयोग है। वॉशिंगटन ने जवाब दिया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और जबकि ताइवानी 6 आश्वासनों से खुश थे, उनके मन में ये चिंता भी घर कर गई थी कि आखिरकार अमेरिका को ये तय करना है कि ताइवान रक्षा करने लायक है या नहीं। तो हो सकता है कि वे एक सुबह उठें तो पाएं कि उन्हें सब कुछ अपने दम पर करना है। इसीलिए इस त्रिकोण का हर कोना अविश्वास से भरा हुआ है। ये उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसे होकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। That is a consequence of the process we have used to get to where we are today. और इस सब के केंद्र में चीन और अमेरिका की सोच में वो गहरा बेमेल था जिस पर वो दशकों पहले सहमत हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने संबंध के खास बिंदु पर काम को अधूरा छोड़ दिया था। और यकीनन ये सब विरोधाभास, विश्वासघात और अविश्वास की भावना अब एक बहुत ही अलग किस्म से खुलकर सामने आ रही है। दक्षिणी ताइवान में रात ढलने के बाद ताइवान की सेना लाइव फायर का अभ्यास कर रही है। ये चीन के हमले को रोकने के लिए अपनी ताकत का परीक्षण है, और ये दिखाने का संकल्प कि वो जंग के लिए तैयार है। हम जंग की तैयारी करेंगे, लेकिन जंग हो ये नहीं चाहेंगे। हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जंग नहीं चाहते। लेकिन जंग छिड़ भी सकती है। चीनी सैन्य दबाव नए स्तर तक पहुंच रहा है। 2022 में बड़े पैमाने पर नाकाबंदी या यहां तक कि हमले के आंशिक परीक्षणों का अभ्यास भी देखा गया। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने सैन्य अभ्यास की निंदा की। उन्होंने ताइवान के पास समुद्र में मिसाइलें दागी। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभ्यास किए। उन्होंने ताइवान के खिलाफ साइबर हमले किए। उन्होंने ताइवान के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया। अगर इन सभी बातों को मिलाकर देखें, तो यही लगता है कि ये सब ताइवान पर हमले की तैयारी के तहत किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास के दौरान स्थापित प्रथा के विपरीत ताइवान और चीन की मुख्य भूमि के बीच तथा कथित मध्य रेखा को पार कर लिया गया। ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा दशकों से वहां शांति और स्थिरता की रक्षा करती रही है, और किसी मौन समझौते के बिना दोनों सेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब आ रही हैं, बल्कि चीनी इतने करीब आ गए हैं कि ये हमारी वायु रक्षा के लिए परेशान करने वाला है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। लेकिन चीनियों का कहना है कि वो केवल अमेरिकी उकसावे का जवाब दे रहे हैं। अगस्त 2022, नैन्सी पेलोसी ताइपे का दौरा करती हैं, जिससे दुनिया में खलबली मच जाती है। वो अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं और अरसों बाद ताइवान में कदम रखने वाली सबसे वरिष्ठ अमेरिकी राजनेता। वो अपनी मेजबान राष्ट्रपति साई इंग वेन से कहती हैं कि वो खतरे में पड़े लोकतंत्र का समर्थन करने आई हैं। हम ताइवान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ेंगे, और अपनी स्थायी मित्रता पर हमें गर्व है। बीजिंग ने नाराजगी के साथ जवाब दिया, कहा यात्रा पर अड़े रहना अमेरिका की एकीकृत चीन नीति का उल्लंघन था। कई दिनों तक चीन ने अमेरिका को अलग अलग तरीकों से और कई स्तरों पर बार बार पेलोसी की ताइवान यात्रा पर अपने कड़े रुख से अवगत कराया, लेकिन अमेरिका और ताइवान के अलगाववादी ताकतों ने इसे अनसुना सा कर दिया। और फिर पेलोसी के जाने के कुछ ही घंटों के भीतर वो विशाल सैन्य अभ्यास शुरू हो गए। चीन का संदेश साफ था, अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है।
सही बात यह है कि अगर नैन्सी पेलोसी ने दौरा नहीं किया होता तो हम इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास नहीं कर रहे होते। तो दरअसल अमेरिका ने चीन को उकसाया है और जवाब देने पर मजबूर किया है। हम सिर्फ दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम यानी चीनी सेना सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन ताइवानी कहते हैं कि पेलोसी का दौरा दरअसल इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर वो स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा का बहाना करके इतने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो कई और बहाने खोज सकते हैं। ताइवान के खिलाफ चीनी सेना की धमकी ताइवान को और दोस्त बनाने से नहीं रोक पाएगी और साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को ताइवान आने और हमें अपना समर्थन देने से नहीं रोकेगा। बेशक पेलोसी के दौरे के तुरंत बाद पश्चिमी सांसद जिनमें जर्मनी के दो प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हैं ताइवान की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने हमें बताया कि यात्राएं पूरी तरह से जर्मनी के एकीकृत चीन के मानकों के हिसाब से थीं। ये कई सालों से चली आ रही हमारी किसी भी नीति का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अगर हम ऐसे समय में ताइवान जाने से हिचकिचाएंगे तो ये एक तरह का बदलाव होगा और ये ताइवान के लिए बहुत नकारात्मक संकेत हो जाएगा अगर हम ऐसे समय में जब चीन ताइवान को धमकी दे रहा है वहाँ ना जाएं। आधी दुनिया यूक्रेन युद्ध से भी सकते में है। रूस के हमले से पश्चिमी राजनेताओं में ये भावना बढ़ रही है कि उन्हें ताइवान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक रूसी हमले और ताइवान पर चीनी खतरे को एक तराजू में रखती हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये चीन जैसे अन्य देशों को भी ताइवान पर आक्रमण करने का निमंत्रण होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले ने ताइवान को सचेत कर दिया है और ऐसा केवल राजनेताओं या सेना के लिए नहीं है, बल्कि आम लोग भी सहम गए हैं। वो वास्तविकता को समझ रहे हैं। अगर ये वहाँ हो सकता है तो ये यहाँ भी हो सकता है। जनता को बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश करने के लिए कई सारे एनजीओ पूरे ताइवान में प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि हमेशा याद रखना होगा कि शांति कभी भी भंग हो सकती है। हमारी दुनिया रातों रात बदल सकती है। यहाँ ताइचुंग शहर में लोग बुनियादी कौशल सीख रहे हैं जिनकी जरूरत उन्हें जंग में पड़ सकती है। हम नागरिकों को संकट के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, गंभीर चोटों का इलाज, ढूंढने या बचाने के तरीके, आपातकालीन स्थिति में फोन के बिना संचार के तरीके, शेल्टरों की व्यवस्था, खासकर सभी व्यवस्थाएं चालू रखने के तरीके सिखा रहे हैं। लोग शनिवार की दोपहर किसी ऐसे चीज की तैयारी में बिता रहे हैं जिसके बारे में वो आशा करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध के साथ चीजें बदली हैं। हमारी स्थिति कितनी कमजोर हो सकती है, मुझे लगता है इसके प्रति थोड़ी अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता आई है। ये ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे हम सोचें कि ठीक है, हम ऐसी जगह हैं जो सुरक्षित नहीं है और हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि जब चीजें बिगड़ें तो खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। ये ताइवान की खुद को चीन से अलग समझने की बढ़ती भावना को दर्शाता है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब चीनी के बजाय ताइवानी कहलाना पसंद करता है और केवल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा चीन के साथ मिलना चाहता है। हम अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, हमारे पास संविधान है, स्थायी सेना है, हमारे पास नागरिक हैं, हमें वोट देने का अधिकार है, हम जानते हैं कि ताइवान का अस्तित्व है। और आर्थिक रूप से ताइवान दुनिया भर में पहचाना जाने लगा है जिसके साथ लेन देन किया जा सकता है। इसका सेमीकंडक्टर उद्योग दुनिया में सबसे शानदार है और ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरी कड़ी है। राष्ट्रपति साई इंग वेन की डीपीपी पार्टी ताइवान की स्वायत्तता का समर्थन करने और चीनी दबाव के खिलाफ डट के खड़े होने के लिए जानी जाती है। ताइवान स्ट्रेट के आसपास की स्थिति तनावपूर्ण है और खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सभी स्तरों पर राष्ट्रीय सेना ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साई ने चीनी अभ्यास के ठीक बाद सैन्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की और उनकी सरकार का कहना है कि ये अभी और भी बढ़ेगा। अमेरिका अब तक ताइवान को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है और इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस का मजबूत समर्थन भी हासिल है।
मेरे ख्याल में चीन को आर्थिक, तकनीकी, कूटनीतिक और सैन्य रूप में बड़ा खतरा मानना दिखाता है कि लोग दो देशों के सिद्धांत पर सहमत हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि उनको दो अलग अलग देश मानने पर आम सहमति है और ये बहुत जरूरी है और ये सोच यकीनन ताइवान की खुद की रक्षा करने की क्षमता का निर्माण करने में मदद करने को लेकर भी है। और इससे बीजिंग की नाराजगी बढ़ती है। उसका कहना है कि दशकों पहले हुए वादे टूट रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ताइवान को हथियारों की बिक्री बढ़ाकर ताइवान के दौरे पर ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को भेजकर इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो ये साफ तौर पर उनकी कही गई बातों का उल्लंघन है। अगर वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं तो वो उन्हें इतने हथियार क्यों भेजते हैं? लेकिन ताइवान को लगातार हथियार भेजने पर चीन के गुस्से के बावजूद चीन का खुद अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना असल मुद्दा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व और देखरेख में बड़े पैमाने पर सुधार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। वायु, समुद्र, भूमि और बेशक अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में भी PLA की सूची में अधिक उन्नत और अधिक आधुनिक क्षमताएं जुड़ रही हैं। और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। हम अमेरिका जितने ताकतवर बन सकते हैं शायद शताब्दी के मध्य तक बन जाएं। हालांकि ये और जल्दी भी हो सकता है। इन सारे विमर्श को बढ़ावा देने वाले शख्स हैं शी जिनपिंग, चीन के सबसे बड़े नेता। वो जोर देकर कहते हैं कि ताइवान के साथ पुनर्मिलन चीन का भविष्य है और वो इसके बारे में कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे, लेकिन हमले के अधिकार पर जोर देते हैं। ताइवान मुद्दे का समाधान चीन का आंतरिक मामला है और इसे सिर्फ चीनी लोगों को सुलझाना चाहिए। हम पूरी प्रतिबद्धता से शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण की हर संभावना के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन बल प्रयोग नहीं करने का वादा नहीं कर सकते। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक टोनी ब्लिंकन इसे गंभीरता से लेते हैं और उनका मानना है कि शी हमला करने में देर नहीं करेंगे। हाल के वर्षों में बीजिंग का ताइवान की ओर नजरिया बदला है और सकारात्मक तरीके से स्थापित पुरानी स्थिति को मानते रहने के बजाय एक जरूरी फैसला हुआ है कि यथास्थिति अब स्वीकार्य नहीं रही है। बीजिंग अब बहुत तेजी से और बहुत जल्द एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के लिए इसका मतलब क्या है? बीजिंग के जंग छेड़ देने के हालात में वो क्या करेगा? कई मौकों पर जो बाइडेन ने कहा है कि वो लड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या आप ताइवान की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल होने को तैयार हैं? हाँ, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मामला ये है कि हम वन चाइना पॉलिसी से सहमत थे। हमने उस पर दस्तखत किए थे और उससे जुड़े सभी समझौते किए थे, लेकिन ये विचार कि इसे ताकत से हथियार लिया जा सकता है सही नहीं है। ये पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर देगा और यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बाइडेन और उनकी टीम बार बार इन बातों को गोल गोल घुमाते रहे हैं, जिससे बातें साफ होने के बजाय दशकों से अस्पष्ट रही हैं। लेकिन बीजिंग अपने निष्कर्ष निकाल रहा है। हमारा मानना है कि वो यही कर रहे हैं। वो एक चीन की अवधारणा को खोखला कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी इसके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन इसके मायने बदल रहे हैं। इस तरह के दौरों का बढ़ना, ताइवान को हथियारों की अधिक बिक्री और जो बाइडेन का चार बार इस पर बात करना कि अमेरिका ताइवान की रक्षा कैसे करेगा, यही दिखाता है। ये विचार कि हमें इसका डर है, बदल रहा है। मेरे ख्याल में अगर आप इसे दोनों तरफ से, यानी बीजिंग और वाशिंगटन दोनों ओर से देखें, तो ऐसा लगता है कि दोनों एकीकृत चीन नीति की पारंपरिक धारणा को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो
तो जब आप ताइवान और अमेरिकी अधिकारियों के बीच आधिकारिक बैठकों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो चीनी तर्क होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके एक चीन के टुकड़े करके दो चीन बनाना चाह रहे हैं। रणनीतिक अस्पष्टता के अमेरिकी पारंपरिक सिद्धांत के स्पष्ट हो जाने से, यानी राष्ट्रपति बाइडेन के हालिया बयान के बाद, इसे और बल मिला है। और इधर दूसरी ओर अमेरिकी कहेंगे कि चीन हमेशा से जानता है कि अमेरिका किसी भी तरह के बल प्रयोग का विरोध करेगा, और पेलोसी दौरे के बाद जो सैनिकों की तैनाती बढ़ी है, उससे पहले चीन वैसे भी ताइवान के आसपास सैन्य ताकतों को मजबूत करने के कई प्रयास कर चुका है। इसलिए अमेरिकी ये तर्क देंगे कि चीन भी उस द्वीप पर कब्जा करने के लिए सैन्य तैयारियों का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेकर एकीकृत चीन नीति को धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है। ये भावना धीरे धीरे बढ़ रही है कि हम फैसले की तारीख की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो के भाग तीन में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी तरह से ये जंग रोकी जा सकती है। बाली इंडोनेशिया 20 सबसे शक्तिशाली देशों के नेता दुनिया के संकटों पर बात करने के लिए एक शानदार उष्णकटिबंधीय देश आए हैं। ये है G20 शिखर सम्मेलन, एक ऐसा समूह जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा रखता है, लेकिन अभी इस पर दुनिया भर में चल रही भू राजनीतिक लड़ाइयों का बोलबाला है। शिखर सम्मेलन के मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो इलाके के नेताओं की आशंकाओं को सामने रखते हैं। हमें दुनिया को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, हमें दुनिया को एक और शीत युद्ध में नहीं पड़ने देना चाहिए। इस संदेश का इशारा सभा में आए बड़े नेताओं जो बाइडेन और शी जिनपिंग की ओर था, जो यहाँ सिर्फ शिखर सम्मेलन के लिए नहीं बल्कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए भी आए थे। दोनों नेता आखिरकार आमने सामने आने पर मुस्कुराहट के साथ मिले और कैमरे के सामने फिर से बात करने की जरूरत पर बल दिया। जब से आपने राष्ट्रपति पद संभाला है, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस, फोन कॉल और पत्रों के जरिए बात की है। लेकिन इनमें से कोई भी दरअसल आमने सामने की बातचीत का विकल्प नहीं हो सकता है। दो बड़े देशों के नेताओं के तौर पर मेरे ख्याल में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया को ये दिखाएं कि हम अपने मतभेदों को संभाल सकते हैं और इस तरह की किसी भी प्रतिस्पर्धा से बच सकते हैं जो जंग की शक्ल ले ले। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते कितने खराब हैं, तो इन्हें सुने। ये हैं वॉशिंगटन के प्रमुख रक्षा विशेषज्ञों में से एक और प्रशासन की करीबी। हमारे पास जोखिम कम करने का कोई वैसा उपाय तक नहीं है जो कि सोवियत संघ के साथ चल रहे शीत युद्ध के समय था। इसलिए ऐसी कोई हॉटलाइन नहीं है जहां दूसरी तरफ कोई इंसान कॉल उठा ले। खतरे को कम करने के लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जिसका उपयोग हम किसी संकट की घड़ी में कर सकें। जंग अचानक शुरू हो सकती है। ताइवान के आसपास चीन की बढ़ती सक्रियता और उस इलाके में अमेरिका के होने से खतरनाक जंग छिड़ जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और चीन विशेषज्ञ केविन रट चाहते हैं कि दोनों पक्ष समझौता कर लें। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को एकीकृत चीन नीति को धीरे धीरे छोड़ने की और कोशिशें नहीं करनी चाहिए और चीन को पूर्वी फुजियान में अपनी वर्तमान सैन्य गतिविधियों और ताइवान के बीच की भौगोलिक दूरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर बीजिंग और वॉशिंगटन अभी के लिए कुछ प्रभावी सीमाएं तय कर भी लें, तो भी बुनियादी दिक्कतें कायम रहने वाली हैं। जब भी चीनी अधिकारियों के सामने ताइवान का मुद्दा उठाया जाता है, उनके हिसाब से इस पर कोई बात ही मुमकिन नहीं है। उनके हिसाब से ये उनका निजी मामला है और वो इस पर कोई समझौता नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या हुआ?
ताइवान या दूसरे रणनीतिक विवादास्पद मुद्दों पर संबंधों में अनियोजित अचानक आई मुसीबतों, झड़प और जंग के जोखिम को कम करने के लिए छोटे या मध्यम अवधि के लिए संबंधों में स्थिरता लाने की रणनीति चीन के 2030 के लिए सोचे गए लंबे समय के सवाल से काफी अलग है, क्योंकि इस समय तक वह युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त सैन्य, आर्थिक और तकनीकी शक्ति चाहता है, ताकि वो गलती से नहीं बल्कि अपने मन मुताबिक ताइवान को हथिया सके। और जब आप इसमें शामिल सभी देशों को देखते हैं, चीन, अमेरिका और बीच में ताइवान, तो आपको तीनों आपस में टकराव की राह पर दिखते हैं। तो वीडियो के इस अंतिम भाग में हम इस समीकरण को देखेंगे और पता लगाएंगे कि वो इस टकराव से कैसे बच सकते हैं। शुरुआत करते हैं चीन से। शी जिनपिंग अब एक और दशक तक या इससे भी अधिक समय तक सत्ता में रह सकते हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्र का कायाकल्प नाम से एक ऐतिहासिक मिशन घोषित किया है। पार्टी कांग्रेस से ठीक पहले ताइवान पर प्रकाशित इस लेख में शी की सरकार ने ये सब बताया है। इसमें राष्ट्रीय कायाकल्प के 28 उल्लेख हैं। और ये राष्ट्रीय कायाकल्प किस तरह होगा? ताइवान को अपने में मिलाकर। शी जिनपिंग राजनीतिक पटल पर वो आदमी बनना चाहते हैं जो चीन को ताइवान वापस दिला दे। हम मुख्य चीन वाले मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और हमें ताइवान के साथ फिर से जुड़ना होगा। एकमात्र सवाल ये है कि किस तरह, क्या ये शांतिपूर्ण ढंग से होगा या हमें बल प्रयोग करना होगा। बदलाव ये हुआ है, जो कि इसे और खतरनाक बना रहा है, कि चीन ने अब मिशन को अंजाम देने के लिए सैन्य तकनीकों को अचूक बनाना शुरू कर दिया है। चीन अब अमेरिका के राजनीतिक संकल्प और अपने खिलाफ उनकी सैन्य क्षमता पर संदेह करता है। भाग दो में हमने जो सैन्य अभ्यास देखे वो इस तस्वीर की कहानी को और बल देते हैं। फिर भी चीन की सरकार इस बात पर जोर देती है कि वो बल प्रयोग करने की जल्दी में नहीं है। ये आखिरी विकल्प है, क्योंकि ताइवान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मिलना यकीनन हमारे भी हित में है, जो मुझे यकीन है कि एक दिन साकार होगा। हम मुख्य चीन वाले दरअसल इस हड़बड़ी में नहीं है कि ताइवान को वापस मिलाने के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। आपने उसे फिर मिलाने के लिए चीनी सरकार की कोई घोषणा कभी नहीं देखी होगी। मगर फिर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, ताइवान की अलग होने के प्रति बढ़ती भावना जिसे भाग दो में हमने देखा, वो इस पूरे खेल की गणना बदल देगी। पहले हमने देखा है कि बीजिंग कैसे सोचता है, कि समय उसका साथ दे रहा है और उसके हित में है, कि वो ताइवान में अवसरों या राजनीतिक विकास की प्रतीक्षा कर सकता है, ताकि वो शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए अधिक अनुकूल हो। इस समय ताइवान में जो रुझान दिख रहे हैं, राजनीतिक रूप से और जनसंख्या के हिसाब से कहें तो निकट भविष्य में इसकी बहुत संभावना नहीं है। और जब आप चीन से पूछते हैं कि किन परिस्थितियों में वो बल प्रयोग करेंगे, तो जवाब होता है किसी भी बात के जवाब में। आइए इसके बारे में झो बो से सुनते हैं। वो पीएलए में एक उच्च पदाधिकारी थे और अब चीन के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक में वरिष्ठ विश्लेषक हैं। मतलब वो सत्ता में बैठे लोगों से काफी करीब हैं। दरअसल ऐसी तीन स्थितियां हैं जिनमें बल प्रयोग करना पड़ सकता है। पहली है ताइवान में अलगाववादियों द्वारा आजादी की घोषणा, जो मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि अचानक आजादी की घोषणा कर सैन्य हमले को न्योता दें। वो सही हैं, इसकी संभावना बहुत कम है। ताइवान सरकार ने लगातार किसी भी सूरत में ये कोशिश बनाए रखी है कि आजादी की कोई आधिकारिक घोषणा ना हो। दूसरी है ऐसी बड़ी घटनाएं जो मुख्य चीन से ताइवान को अलग करने की ओर ले जाती हों। मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि ये वैसी स्थिति है जैसे नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, यानी इस मुद्दे पर बाहरी दखल। ऐसा होने की संभावना हालांकि काफी है। जैसा कि झो बो ने कहा, पेलोसी का दौरा सच में हुआ था।
तीसरी स्थिति ये है कि अगर मुख्य चीन ये मान ले कि इस तरह का अलगाव हमेशा के लिए रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान के वापस मिलने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। ये आखिरी परिदृश्य बहुत अजीब है, यानी चीन कभी भी जंग छेड़ सकता है और इन परिदृश्यों में चीन के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि चीन की नियति के रास्ते में सिर्फ एक बाधा है, वो है अमेरिका। मुझे लगता है कि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ताइवान मुद्दे पर डटे रहना एक ऐसा फैसला है जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने पूरे मन से लिया है। वे इसे प्राथमिकता क्यों देते हैं? मुझे लगता है कि वे इसे प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ताइवान अभी भी उनकी पकड़ में नहीं है, क्योंकि अमेरिका उनके इरादों को विफल कर रहा है। इसीलिए ताइवान एक तरह का मोहरा बन गया है जिसे लेकर चीन अमेरिका से जूझ रहा है। और आप चीन में बढ़ते हुए इस विश्वास को महसूस कर सकते हैं कि वो उस मोहरे को ले सकता है। चीन मजबूत हो रहा है, और क्योंकि चीन मजबूत हो रहा है और क्योंकि वो 2030 के अंत तक अमेरिका को पछाड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। हम मुख्य चीन में ताइवान को मिलाने को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और सबसे खराब स्थितियों में भी तैयार रहने के लिए अपनी सेना को मजबूत करना जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस भी बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। सरकार की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में साफ है कि वो चीन को दुनिया में अमेरिका की मौजूदा स्थिति से हटाने के लिए नंबर एक खतरे के रूप में देखती है। इसमें लिखा है कि चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नई शक्ल देने का इरादा है और ऐसा करने के लिए वो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति बढ़ा रहा है। इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से बड़े पैमाने पर और खास तरह की है। जैसे इसके लिए एक चाल ये चली गई कि अमेरिकियों ने चीन को अपनी हाईएस्ट एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से काफी हद तक काट दिया है। सिर्फ चिप्स से ही नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़ी ऐसी हर टेक्नोलॉजी से भी जिससे चिप बनते हों। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है, लेकिन ये चीन के तकनीकी विकास को धीमा करने के लिए संबंधों को तोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस नियम को बनाने वाले अधिकारियों का कहना है कि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। हम केवल सेमीकंडक्टर ही नहीं बल्कि उन दूसरी चीजों पर भी ध्यान देंगे जिसके बल पर चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों को धमकी दे रहा है। और खासकर ताइवान पर अमेरिका की घोषित रणनीति भी दृढ़ है। हम ताइवान संबंध अधिनियम के तहत ताइवान की आत्मरक्षा का समर्थन करने और उसके खिलाफ बल प्रयोग या जबरदस्ती के किसी भी मामले का विरोध करने की अपनी क्षमता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। प्रमुख रक्षा विश्लेषकों के बीच हड़बड़ाहट की भावना भी बढ़ी है। ये डर बढ़ रहा है कि पहले सोची गई समय सीमा तेजी से कम हो रही है। हम उसकी तैयारी इस हिसाब से कर रहे थे कि शायद 2030 के दशक में ये समस्या आ सकती है और इसलिए ज्यादातर अमेरिकी रक्षा योजनाएं उस समय की अवधि पर केंद्रित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लगने लगा है कि हो सकता है कि कुछ घटनाएं शी को जल्द कार्रवाई करने के लिए उत्साहित कर दें। हमें न केवल 10-15 साल बल्कि 5 साल में चीन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। 10-15 years, but in 5 years. यूरोप के सहयोगियों की चिंता भी बढ़ रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स चीन के प्रति अपने सतर्क दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। चांसलर के रूप में उन्होंने अपनी पहली यात्रा में सार्वजनिक रूप से चीन से स्थिरता की रक्षा का आग्रह किया। अमेरिका और कई अन्य देशों की तरह हमारी भी एक चीन की नीति है। साथ ही मैंने स्पष्ट किया है कि ताइवान के संबंध में यथास्थिति में कोई भी बदलाव केवल शांतिपूर्वक और आपसी सहमति से ही होना चाहिए। और शॉल्स के डिप्टी ने ताइवान पर लड़ाई की संभावना के बारे में ये बात कही।
इसका पूरी दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा है कि यूक्रेन पर रूसी युद्ध जैसी इलाके पर कब्जे की लड़ाई ने भी पूरी दुनिया को अशांत कर दिया है। ये कहीं अधिक विनाशकारी होगा, इसलिए ऐसी चीजों से हमें यकीनन बचना होगा। मुझे उम्मीद है कि चीन जानता है कि पूरी दुनिया देख रही है। और एशिया में अमेरिका के मित्र देशों के लिए उनके पड़ोस में इस तरह के युद्ध की संभावना बेहद निराशाजनक है। इसलिए अमेरिका इस इलाके में संसाधन जुटा रहा है, अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और अपने सहयोगियों से भी लगातार संपर्क में है। ऑकुस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को उन्नत परमाणु पनडुब्बियों की आपूर्ति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख लक्ष्य है चीन को हमला करने से रोकना। यहाँ सारा खेल तनाव रोकने का है। इस जंग में किसी भी पक्ष को शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से चीन के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप ताइवान पर कब्जे के लिए जंग शुरू करते हैं तो आप हारेंगे। लेकिन चीन के नजरिए से देखा जाए तो ये सब वैश्विक शक्ति के रूप में उसके वैध उदय को रोकने का एक प्रयास है, रोकथाम की शीत युद्ध शैली की नीति। साफ तौर पर अमेरिका की मंशा चीन पर लगाम लगाने की है, जबकि चीन अभी भी दुनिया की नंबर एक ताकत नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन को नियंत्रित करने में ताइवान अमेरिका के लिए कितना उपयोगी होगा, तो ये मेरा शक है। नहीं तो अमेरिका ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत क्यों करेगा? और जैसा कि हमने पहले देखा, ऐसा लगता है कि ताइवान के लिए अमेरिका का समर्थन भविष्य में बढ़ने ही वाला है। ये उन कुछ चीजों में से एक है जिस पर अमेरिका की हद से ज्यादा विभाजित राजनीतिक व्यवस्था भी एकमत होगी। यहाँ एक बात है जो तय है और जिसका समर्थन दोनों पक्षों के लोग करेंगे, वो ये है कि ये चीन के खिलाफ है। इसलिए हम अमेरिकी राजनेताओं का जो भी समर्थन देख रहे हैं वो मेरे ख्याल में दरअसल मूल रूप से चीन के विरोध में है, लेकिन उन्होंने चीन विरोध को ताइवान का समर्थन समझ लिया है। इस हिसाब से ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन एक विरोधाभास बन जाता है। इसके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी, लेकिन इसे संभावित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई की ओर ले जाने वाली वजह। मुझे लगता है कि आज खतरा पहले से कहीं ज्यादा है, और मेरे हिसाब से इसकी पहली वजह अमेरिका और चीन के बीच बिगड़ते संबंध है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को गंभीर रूप से धमकी दे रहे हैं और अपने व्यवहार को ठीक और रक्षात्मक मान रहे हैं। इसलिए अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे को लगातार एक के बाद एक आंख दिखा रहे हैं और ताइवान बीच में फंस गया है। और यहाँ ताइवान में आप उस भावना से बच नहीं सकते, खासकर चीनी तट से कुछ दूर किनमेन द्वीप जैसी जगह पर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दशकों से भारी संख्या में सेना मौजूद है। अगर आप ताइवान को अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई में एक अग्रिम मोर्चे की तरह देखते हैं, तो ये जगह उस अग्रिम मोर्चे का अग्रिम मोर्चा है। यहाँ किनमेन से खाड़ी के उस पार चीनी शहर श्यामेन दिखता है, जो धुंध के उस ओर 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ये चीन का दरवाजा है। ये बहुत बहुत ज्यादा करीब है, और किनमेन को चीन के सैन्य अभ्यास के दौरान सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। जैसे इस वीडियो में ड्रोन से चौकियों की जासूसी, ताइवान के सैनिकों ने उन्हें पत्थर मारकर खदेड़ा। इस घटना ने ताइवान की रक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर कर दिया। चीन दिमागी लड़ाई लड़ना चाह रहा है। वो कुछ जगहों को निशाना बनाकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर ताइवान के सैनिकों की अक्षमता या ऐसी ही कुछ बातें दर्शाना चाहता है। तो इतने बड़े खतरे के सामने ताइवान क्या कर सकता है? जब ताइवान की रक्षा के बारे में बात होती है तो इस बात की चर्चा खूब रहती है कि ये जंग असमान ताकतों के बीच है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन हमेशा ताइवान को पछाड़ने की हालत में रहेगा। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसे शाही रणनीति कहते हैं, ताकि ताइवान को हमलावर के लिए बहुत चुभने वाला देश बना दिया जाए।
उनका काम चीनी हमले की स्थिति में पर्याप्त समय पाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रतिक्रिया दे सके और सहायता कर सके। तो इसमें समुद्री माइन, एंटी शिप मिसाइल, एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस, मोबाइल सिस्टम या इस तरह की प्रतिरोध करने वाली चीजें शामिल हैं। मेरा मतलब हमने यूक्रेन में लोगों को एक साथ विरोध करते देखा है। ताइवान को उस तरह का प्रतिरोध करने में सक्षम होने के लिए खुद को संगठित करने की जरूरत है। इन्हीं मामलों में इनोक वू जैसे लोगों की जरूरत होती है जो नागरिकों को जीवित रहने के कौशल का प्रशिक्षण देते हैं। वो सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं और ताइवान की सरकार से उनके करीबी संबंध हैं। हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व ताइवान की इस पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है और ये खतरा लंबे समय से बना हुआ है। अभी अलग बात ये है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह का प्रशिक्षण जरूरी है जो हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत, अधिक बचे रहने लायक और अधिक विश्वसनीय बना सके। इसका मतलब है कि छोटे छोटे स्तरों पर लड़ने और खुद को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाए ताकि ये सभी काम जिसे करने की जरूरत है हम कर सकें, क्योंकि PLA अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है और हमें भी उस हिसाब से तैयार रहना है। इनोक वू बिना किसी लाग लपेट के आजादी के मामले में चीन की औपचारिक रेड लाइन की बात को काटते हुए एकीकृत चीन की बात को अस्वीकार कर देते हैं। एक चीन है और एक ताइवान है और मुझे लगता है कि ताइवान का हर कोई 2.3 करोड़ नागरिक हर मामलों में और हर तरह से ये मानते हैं कि हम पहले से ही आजाद हैं। हम मतदान कर सकते हैं और अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं और इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन दूसरे लोग चीन के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण भाव रखने की बात करते हैं। एरिक चू ताइवान की विपक्षी कुओमिन्तांग या KMT पार्टी के नेता हैं, जिसने ताइवान युद्ध के बाद के अधिकांश समय में शासन किया, लेकिन अब विपक्ष में हैं। वो यूक्रेन युद्ध से बहुत अलग सबक लेते हैं। हम अपनी सरकार को किसी भी तरह संवाद स्थापित करने, सकारात्मक रहने, किसी तरह की दुर्घटना से बचने या युद्ध के संकट से बचने के लिए कुछ भी करने को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि यहाँ भी कोई जंग जैसी स्थिति बने जैसा कि यूरोप में यूक्रेन में हुआ। हम अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेन के लोगों का पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन युद्ध से ताइवान सीख सकता है। अगर हम ताइवान और चीन या चीन और अमेरिका के बीच संवाद के चैनल को बनाए रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि जोखिम को कम किया जा सकता है। क्या 1970 के दशक की तरह किसी नई ऐतिहासिक सफलता की कोई संभावना है? किसिंजर और चाउ एनलाई ने जिन मुद्दों को भविष्य पर टाल दिया था, क्या उनका कुछ हल मुमकिन है? मुझे लगता है कि चीन, अमेरिका और ताइवान, इन सबको कुछ ऐसी नई तरकीब सोचनी होगी ताकि भविष्य के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाए जा सकें जिसके तहत राजनीति सामान्य हो और उसमें दोनों पक्षों की दीर्घकालिक इच्छाएं शामिल रहें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। एक चीन, दो प्रणालियां तो बिल्कुल नहीं चल सकती। एक देश, दो प्रणालियां, इसी आधार पर चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन से वापस लिया था। चीन के हालिया दमन ने इस विचार की विश्वसनीयता काफी कम कर दी है। एक चीन, तीन प्रणालियां, ये एक संभावना है। क्या किसी तरह का बड़ा चीनी कन्फेडरेशन बनाकर ऐसा हिसाब किताब बिठाने से ये मुमकिन होगा कि ताइवान को आंतरिक और बाहरी हर तरीके से एक नेशन स्टेट की तरह अछूता छोड़ दिया जाए? मुझे लगता है कि शायद इसी आधार पर हम चीनी और ताइवानियों को सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो दोनों को नापसंद होगा, लेकिन ऐसे ही दूसरे तरीकों पर चर्चा के लिए वो साथ आ सकते हैं। यकीनन, अभी तक ऐसे किसी हल में उनकी रुचि का पता लगाना कठिन है। इस सरकार की नीति यथास्थिति को बचाए रखना है। यथास्थिति ये है कि ताइवान पहले से ही एक लोकतंत्र है। यथास्थिति ये है कि ताइवान के लोगों का ताइवान के भविष्य पर हक है। और फिर भी बीजिंग ने ये बहुत साफ कर दिया है कि वो यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता है। वो चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे और फिर इस तरह अलग अलग रहने की यथास्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो ये चाहत अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं चीन की नहीं है। हम फिर से एक होना चाहते हैं, लेकिन हमने समय निर्धारित नहीं किया है, इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी विकल्प खुले हों।
ये तनाव कब तक रह सकेगा? चीन यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। अमेरिका उसके रास्ते में खड़ा है। ताइवान अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहा है। वो सभी जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दाव पर क्या होगा। केविन रड ने इसे बहुत साफ शब्दों में और विस्तार से बताया। A general war involving at least four or five countries, including. एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, चीन और जापान सहित कम से कम तीन या चार या पांच देश शामिल होंगे। दूसरी बात, सैकड़ों हजारों ना भी मरें, पर कुछ ताइवानी नागरिक तो पक्का मरेंगे, ये तय है कि ताइवान लड़ेगा। तीसरी बात, कुछ अज्ञात चीनी और अमेरिकी लड़ाके भी शामिल होंगे, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल होगा। और आखिर में वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराएगी, क्योंकि इसके कारण तब शायद गहरी मंदी या आर्थिक महामंदी आ जाएगी, क्योंकि इन तीन विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, व्यापार और वित्तीय बाजारों में एक किस्म का ताला लग जाएगा। और इसके बाद भी जब जोसेफ वू ने हमसे ताइपे में बात की तो उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन वो आशावादी हैं, हालांकि वो अपनी उम्मीदों के बारे में बहुत सचेत हैं। ये लोकतंत्र ही लंबे समय तक चलेगा। इसके उलट अगर आप चीन की राजनीतिक प्रणाली को देखें तो ये शक्तिशाली दिखती है और ये खतरनाक लगती है, लेकिन अधिनायकवादी शासन दरअसल कमजोर होते हैं। उनके घरेलू मुद्दों को देखिए जो उन्हें इन दिनों संभालना पड़ रहा है। हो सकता है अचानक चीन के लोग कह उठें कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम ताइवान जैसा कुछ चाहते हैं। तो आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पतन और वहां लोकतंत्र आने पर भरोसा कर रहे हैं, क्या यही आपकी सबसे बड़ी उम्मीद है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ताइवान के लोकतंत्र पर भरोसा है। जब तक हम लोकतांत्रिक हैं, मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। ये इतिहास में हुई क्रांतियों पर भरोसा करने जैसा लगता है, लेकिन आने वाले खतरनाक वर्षों में शांति बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी होगी।